वो भगवान जब सबको जीवन देता है, ये छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इससे बहुत धोखा क्या हो सकता है। समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले और विवादों में रहने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ये भाजपा का दिखावा है, छलावा है। ये राम के हितैषी नहीं है, ये राम के दुश्मन है। जो राम हजारों साल से देश में पूजे जाते हैं, भाजपा वाले इतने बड़े कलाकार हैं कि ये आज भगवान का भी सौदा कर रहे हैं, भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जो राम सबको जीवन देते हैं, ये भाजपा वाले राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो राम को लाए हैं, वो राम को नहीं बल्कि राम के नाम पर वो सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर वोट लेने की भाजपा साजिश करती है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन और राम को लेकर कुछ बोला हो। वो लगातार राम के नाम पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी वे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस और सनातन धर्म के साथ साथ राम मंदिर को लेकर भी कई बार विवादास्पद बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर वो तमाम दलों के निशाने पर भी रहते आए हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो सपा के भी कई नेताओं ने उनके बयान का विरोध किया था। तब ये कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे चुनाव में सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई नेताओं ने तो स्वामी पर अखिलेश यादव से कार्रवाई करने की भी बात कही थी। स्वामी के बयानों की आलोचना इतनी होने लगी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। अब फिर उन्होंने एक बार राम को लेकर भाजपा पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। यह सरकारी विभाग, यह सरकारी संस्थान जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है, वो निजी हाथों में बेच दिए जा रहे हैं। अगर निजी हाथों में चले जाएंगे तो आगे भी नौजवानों को इन विभागों में सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर यह केवल इनका दिखावा और छलावा। ये राम के हितैषी नहीं है, ये तो राम के भी दुश्मन है, ये तो राम के भी सौभागर है। जो राम हजारों साल से इस देश में भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो राम हजारों साल से इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों के पूजा का केंद्र है, उनका आराध्य है, करोड़ों लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, ये तो इतने बड़े कलाकार जादूगर हैं कि भगवान का भी सौदा कर लेते हैं, भगवान के भी प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। वो भगवान जो सबको जीवन देता है, वो भगवान जिसकी कृपा से सब जिंदा रहते हैं, वो भगवान जब सबको जीवन देता है, ये छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इससे बहुत धोखा क्या हो सकता है। इसके बाद धोखा कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान सबको प्राण देता हो, जो भगवान सबको जीवन देता हो, हम उसको जीवन देने वाले कौन होते हैं? हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? वो तो खुद भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम में कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से भी बड़े हैं, ये साबित करना चाहते हैं हम भगवान राम से ही बड़े हैं। और ये कहते क्या है कि हम राम को लाए हैं। तुम राम को क्या लाओगे? राम तो हजारों साल पहले आए हैं, राम के नाम पर तुम सत्ता
ये बकवास करना बंद करो, ये धोखा है, छलावा है, राम के नाम पर वोट देने की इनकी साजिश है। ऐसे लोग जो भगवान राम का भी सौदा कर ले, ऐसे लोग जो अपने को भगवान राम से भी बड़ा स्थापित करने की बात करें, जो भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा करके खुद भगवान राम से बड़ा होने का अहंकार भरते हो, वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान करने वालों से भी आप सावधान रहना है। उसको देखते हुए आचरण लागू करने वालों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए 27% आरक्षण दिया, लेकिन यह सरकार पिछड़ों के 27% आरक्षण को भी शून्य प्रभावी कर रही है। यानी भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था को भी यह सरकार खत्म करने पर आमादा। आज हालात सबसे बदतर है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को दबाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग सरकार सरकारी तंत्र बड़े पैमाने पर कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल भेजा जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और कौन करता है? जो कहता है, जो डुगडुगिया पीटता है कि हम ईमानदार हैं, जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ना खाएंगे ना खाने देंगे कहने वाले लोग चुनावी बांड के माध्यम से अब तक 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं। 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं, फिर भी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी जी जरा ये बता देंगे, जरा ये बता दें कि आप कितना खाएंगे, ये कब पता देंगे? आखिर इसका भी तो पता लगना चाहिए कि 6,000 करोड़ खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा तो कितना बड़ा पेट है या मराड़ है, कितना और खाएंगे ये भी बता देंगे। और यही नहीं साथियों, आज हालात बद से बदतर है। आज मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस मीडिया पर हम सभी देशवासियों को फर्ज था इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, मीडिया पारदर्शी तरीके से खबर को निष्पक्ष रूप से देश के सामने परोसता है।